हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 5 जुलाई 2021 और 5 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लें। चलिए तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 3 जुलाई को मनाया गया है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते चला आ रहा है। इस वर्ष का थीम था एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण यानी रिबिल्ड बेटर टुगेदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के पुण्यतिथि के अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह इमेज में स्वामी विवेकानंद जी आप पहचान ही रहे होंगे। इस वर्ष इनके पुण्यतिथि पर असम के मुख्यमंत्री अमित शाह कई इन्होंने बधाइयां दी, मतलब इनके पुण्यतिथि पर नमन व्यक्त किया। अमित शाह का यह ट्वीट रहा जिसमें इन्होंने विवेकानंद जी के पात्र बारे में कुछ बोला है। युग परिवर्तक स्वामी विवेकानंद जी मात्र एकमात्र व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमर विचार, एक समृद्ध जीवन शैली है। वे राष्ट्र निर्माण में असप्रियता जातिवाद को बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जागृत कर उन्हें सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। यह अमित शाह जी का ट्वीट है जो कि पुण्यतिथि स्वामी विवेकानंद जी के पर बोले हैं। बात हुई स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में तथा इनका मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हावड़ा में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है तथा इनके मृत्यु दिवस पर स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके गुरु का नाम रामकृष्णा था तथा इनका पेरेंट्स का नाम था विश्वनाथ दत्ता तथा भुवनेश्वरी देवी। हर साल 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद के रूप में स्वामी विवेकानंद की याद को स्मृति पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारत के सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक क्षेत्र और बुद्धिजीवियों में एक से एक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने योग और वेदांत के दर्शन में को पशिक्षा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों के साथ हुई थी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन। कोविड-19 न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के शोधकर्ताओं ने 90 मिनट कोरोना टेस्ट मास्क बनाया है? तो दोस्तों, 90 मिनट कोरोना टेस्ट मास्क बनाया है MIT एंड हार्वर्ड के खोजकर्ताओं ने। यह है 90 मिनट कोरोना टेस्ट मास्क जिसे MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बनाया है।
एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने एक नया फेस मास्क तैयार किया है जो पहनने वाले को लगभग 90 मिनट के भीतर कोविड 19 का निदान कर सकता है। मास्क छोटे डिस्पोजल सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं जिन्हें अन्य फेस मास्क में फिट किया जा सकता है और अन्य वायरस का पता लगाने के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। तो ध्यान से आप देख लीजिएगा, यह है मास्क जो 90 मिनट्स के अंदर कोविड 19 वायरस को डिटेक्ट कर सकता है कि आप में श्वास के द्वारा डिटेक्शन किया जा सकता है कि आप में कोविड 19 मौजूद है या नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहां हुआ है। तो हाल ही में 7वीं हिंद महासागर यानी नौसेनी को संगोष्ठी का समापन फ्रांस में हुआ है। हिंद महासागर नौसेनी संगोष्ठी का 7वां संस्करण में 1 जुलाई 2021 को फ्रांस में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ है। 28 जून से 1 जुलाई तक द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ला रियूनियन में की गई थी। भारत से एडमायरल करबीर सिंह प्रमुख सेना स्टाफ जो है भारतीय नौसेना के ने वर्चुअली आयोजित के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। फ्रांस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष है फ्रांस संगोष्ठी का जो कि वर्तमान अध्यक्ष है जिसने 29 जून 2021 को दो साल के कार्यक्रम के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। अब बात हुई है फ्रांस के बारे में, तो जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। यह है वर्ल्ड मैप फ्रांस जो रेड कलर से डिनोटेड है। फ्रांस जो कि यूरोप में एक कंट्री है जिसकी राजधानी पेरिस है। यहाँ का करेंसी है यूरो तथा सीएफए फ्रैंक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टेट इन न्यूज यानी कौन सा राज्य किस न्यूज के लिए उस डे मतलब पिछले दिन के लिए फेमस रहा उससे रिलेटेड करंट जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए वीरांगना ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। यह शिमला पुलिस द्वारा किया गया यानी हिमाचल प्रदेश राज्य के पुलिस द्वारा यह कारनामा किया गया है यानी वीरांगना ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। शिमला पुलिस ने राज्य की राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए वीरांगना ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। शनिवार को शिमला पुलिस ने शहर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की निगरानी करने के लिए वीरांगना और व्हील्स नाम के एक पहल शुरू की। इस पहल में महिला पुलिसकर्मी वीरांगना और व्हील्स के हिस्से के रूप में दोपहिया वाहन प्रशासन में गश्त करेंगी। महिला पुलिस उन महिलाओं की मदद करेंगी जो संकट में है। शिमला नगर निगम में मेयर सत्य कौंडल ने वीरांगना और व्हील्स पहल के एक हिस्से के रूप में छह दोपहिया वाहनों की हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर मेयर कौंडल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि पुलिस ने यह पहल शुरू की है। महिला पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर कुछ ही देर में शहर की किसी भी गली में पहुंच जाएगी, इसके लिए मैं शिमला पुलिस से शुक्रगुजार हूं, ऐसा मेयर कौंडल ने कहा है। अब चलते हैं, बात हुई है हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यह रेड कलर से डिनोटेड उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला। यहाँ का गवर्नर है बंदात्रु दत्तात्रेय तथा यहाँ का सीएम है जयराम ठाकुर। 4 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा विधानसभा सीटों की कुल संख्या यहाँ पर 68 है। यहाँ का मेन नेशनल पार्क है ग्रेट हिमानियल नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं। तो हाल ही में कल शाम 6 बजे पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। यह तीरथ सिंह रावत के स्थान ग्रहण किए हैं। तीरथ सिंह रावत जो कि इसके पीछे यहाँ का सीएम थे जो हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं, जिनके जगह पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। यह है इमेज में पुष्कर सिंह धामी जो कि यहाँ का यानी उत्तराखंड का सबसे युवा सीएम बने हैं आज तक का। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह तीरथ सिंह रावत की जगह पर शपथ ले चुके हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्हें देहरादून में विधायक दल की बैठक के दौरान राज्य के नेताओं द्वारा चुना गया था। अब कौन है पुष्कर सिंह धामी, इनके बारे में जान लेते हैं।
16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में जन्मे पुष्कर सिंह धामी खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार के विधायक हैं। उन्हें मानव संसाधन प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंधों से स्नातक डिग्री और सामाजिक जीवन में LLB किया है। पुष्कर सिंह धामी RSS से भी जुड़े थे और उन्होंने उत्तराखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। पुष्कर सिंह धामी 2002 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्य किया है। अब बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। पहले उससे पहले एक और बात जान लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी रविवार को देहरादून में 11 सदस्यीय कैबिनेट के साथ उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। यानी रविवार यानी कल के दिन शाम को 6 बजे इन्होंने शपथ लिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन के लॉन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के कई सांसदों और विधायकों की उपस्थिति में आयोजन एक साधारण समारोह में श्री धामी और उनके मंत्रियों को पद शपथ दिलाई है। श्री धामी के मंत्रिमंडल में कोई नया चेहरा शामिल नहीं किया गया जो कि उन्हें उनके पूर्ववर्ती तीरथ सिंह रावत के अधीन था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सभी मंत्री कैबिनेट रैंक के हैं। रविवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों में से सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यशीश्वर नंद हैं, जो कि यही 11 सदस्यीय कैबिनेट ने कल शपथ ली है। अब चलते हैं, बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में उत्तराखंड जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा यहाँ का गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इन्होंने ही हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाई है। यहाँ का पहले CM थे तीरथ सिंह रावत जी, जो कि कल शाम 6 बजे से पुष्कर सिंह धामी यहाँ का CM बन गए हैं। यानी पुष्कर सिंह धामी कल 6 बजे शपथ ले लिए हैं। यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत फेमस है, तथा नंदा देवी नेशनल पार्क भी बहुत ही फेमस है। यहाँ पर और कई नेशनल पार्क है, जबकि गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क यहाँ का ही नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए DGP कौन बने हैं? तो हाल ही में मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए DGP के रूप में शपथ लिए हैं। यानी नए DGP उत्तर प्रदेश के बने हैं। DGP, अब DGP क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह मुकुल गोयल, जो कि हाल ही में मुकुल गोयल जी यहाँ का न्यू DGP के रूप में शपथ लिए हैं। यह 1987 बैच के IPS ऑफिसर हैं। भारत में बात हुई है DGP के बारे में, तो जान लेते हैं DGP रैंक क्या होता है। भारत में पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। DGP आमतौर पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल के प्रमुख होते हैं, जिन्हें मामले में राज्य पुलिस प्रमुख भी कहा जाता है। DGP को भारतीय पुलिस सेवा से कैबिनेट द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनके पास 3-स्टार रैंक होता है। राज्य में अतिरिक्त अधिकारी भी हो सकते हैं जो DGP के पद पर होते हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए सामान्य नियुक्तियां भी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, कारागार के महानिदेशक, अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक, आपराधिक जांच के विभाग के CID के पुलिस और हाउसिंग सोसाइटी आदि शामिल है, जो कि इसी सबके पद पर DGP पोस्ट हो सकता है। लेकिन डायरेक्टर ऑफ पुलिस एक राज्य का अलग पोस्ट होता है। अब चलते हैं, बात हुई है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यह मैप में उत्तर प्रदेश जो कि रेड कलर से डिनोटेड है, यह एक बड़ा राज्य है, भारत का बड़ा राज्य में से एक है। इसकी राजधानी लखनऊ है तथा यहाँ का गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का CM योगी आदित्यनाथ जी है, जो कि BJP पार्टी से है। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा 403 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 100 विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी सीटें हैं, जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है, जो कि एक ही नेशनल पार्क है, वह है दुग्धवा नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन राष्ट्र से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान कितने करोड़ साल पुराना बेसाल्ट शिला स्तंभ मिले हैं? तो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव में सड़क निर्माण के दौरान 6 करोड़ साल पुराने बेसाल्ट शिला स्तंभ मिले हैं।
यह है 6 करोड़ वर्ष पुराने वैशाल का शिला स्तंभ, जो कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मिला है रोड बनाने के दौरान। बात हुई है महाराष्ट्र के बारे में, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यह मैप में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, यहाँ का सीएम उद्धव ठाकरे है, तथा 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं, तथा यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटों की संख्या 78 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है नावेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क तथा चंदौली नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। यहाँ एक और नेशनल पार्क जिसका नाम तुंगरेश्वर नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में विराट कोहली और प्रियंका चोपड़ा टॉप 30 में हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में आए हैं, जिसमें इन दोनों में विराट कोहली टॉप पर रहे हैं। यह है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी और विराट कोहली, जो कि इंडियन एक्ट्रेस है और इंडियन प्लेयर है, दोनों ही टॉप 30 में हुपिंग इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में आए हैं। अब विराट कोहली लिस्ट में आए हैं, तो जान लेते हैं इनके बारे में। पहले जान लेते हैं ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास और भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान विराट कोहली, और केवल दो भारतीय जो हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सिर्फ 30 स्थान हासिल करने में सफल रहे हैं। वार्षिक सूची मशहूर हस्तियों, खेल हस्तियों और अन्य लोगों को इस आधार पर रैंक करती है कि वे इंस्टाग्राम पर अपने प्रत्येक प्रचारित पोस्ट के लिए कितना शुल्क लेते हैं। अब बात हुई है विराट कोहली के बारे में, तो जान लेते हैं। यह है इमेज में विराट कोहली जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है, जिनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। इंडियन क्रिकेट, जो कि इंडिया की तरफ से खेलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन की उम्र को 60 से, चेयरमैन के रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। यानी कितने वर्ष कर दी गई है? तो 62 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने एक जल्दी मतलब हाल ही में LIC के चेयरमैन को 62 वर्ष तक इसके रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया है। पहले यह 60 वर्ष हुआ करता था, यह रेगुलेशन एक 1960 के अनुसार 62 वर्ष कर दिया गया है। बात हुई LIC के बारे में, तो LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC के चेयरपर्सन है MR कुमार, इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि हाल ही में प्राइवेट होने जा रही है। पूर्ण रूप से अभी प्राइवेट नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट होने जा रही है, ऐसा न्यूज भारत सरकार ने कह दिया है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके कई सब्सिडरीज है, जैसे ध्यान में पड़े IDBI बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस तथा कई इसके सब्सिडरीज है। इसके पैरेंट ऑर्गेनाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड, मतलब देश विदेश से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपना 245वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो हाल ही में अमेरिका ने यानी USA अपने 245वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। तो 4 जुलाई को US ने अपने 245वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई है। यह है US द्वारा मनाया गया सेलिब्रेशन। जुलाई की 4 तारीख को, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका बनने वाले 13 उपनिवेशों में से प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की ऐतिहासिक घोषणा की मंजूरी दी थी, जो उपनिवेशों की इंग्लैंड से स्वघोषित स्वतंत्रता की एक भव्य घोषणा थी। मतलब यह 1776 में 4 जुलाई को स्वतंत्र घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 245वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई गई है। इस साल 4 जुलाई पहली बार हो सकती है जब कई परिवार और दोस्त एक दूसरे को एक साल से अधिक समय में देखते हैं, क्योंकि COVID-19 के प्रयोग को में जब जवाब में लगाए गए प्रतिबंधों को से उभरना शुरू कर देता है। यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा इस वर्ष का इंडिपेंडेंट डे यहाँ का मनाने रहा, क्योंकि कोविड 19 के कारण बहुत ही कम सेलिब्रेशन हुआ है। अब चलते हैं, बात हुई है US के बारे में, तो US के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में US
यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ का करेंसी यूएस डॉलर है, यह है इंडिविजुअल मैप यूएस का, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है, तथा आप इसे ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि किसी भी जगह को आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको जल्द ही ध्यान में आ जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वायुसेना के विमान का दुर्घटना यानी क्रैश हो गया है? तो हाल ही में कल शाम के न्यूज के अनुसार फिलीपींस के एक विमान दुर्घटना में, जो कि वायुसेना का विमान है, जो कि दुर्घटना में क्रैश हो गई है यानी क्रैश हो गई है, जिसमें 45 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं तथा कई 50 प्लस लोग घायल भी हैं इसमें। यह है कल शाम का लेटेस्ट न्यूज, जिसमें फिलीपींस के एयरफोर्स के प्लेन क्रैश हो गया है। अब बात हुई है फिलीपींस के बारे में, तो जान लेते हैं फिलीपींस के बारे में। यह वर्ल्ड मैप में फिलीपींस, जो कि हरा कलर से डिनोटेड है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है तथा यहाँ का करेंसी है फिलीपीन पेसो, जो कि यह एशिया में ही एक देश छोटा सा पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो हाल ही में न्यूज के अनुसार जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, ऐसा न्यूज जयपुर यानी राजस्थान के सीएम गहलोत साहब ने बताए हैं। तथा इसके लिए बीसीसीआई ने फाइनेंशियल ग्रांट के रूप में 100 करोड़ रुपए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए बोर्ड को दिए हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जयपुर में। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए शासकीय निकाय है और युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। बोर्ड का गठन यानी बीसीसीआई का गठन 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों का एक संघ है और राज्य संघ अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जो बदले में बीसीसीआई प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ग्रांट कोवन इसके पहले अध्यक्ष, एंथनी डी मेलो इसके पहले सचिव थे, सौरभ गांगुली इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात हुई जयपुर राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, यहाँ का कार्य राजमस्ता गवर्नर है अशोक गहलोत, यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, 25 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा 200 विधानसभा सीटें हैं। रणथंभौर सर इसका नेशनल पार्क तथा डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो मना पटेल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। प्रथम भारतीय टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष बने हैं संजन प्रकाश, जो कि हाल ही में इनका न्यूज आया था। अब महिला बनी है मना पटेल, यह लेटेस्ट न्यूज, जिसमें मना पटेल हाल ही में इस टोक्यो ओलंपिक को जीत लिया है। हम बात हुई मना पटेल के बारे में, तो जान लेते हैं मना पटेल के बारे में। मना पटेल जो कि अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है, यह 21 वर्षीय महिला है। यह है इमेज में मना पटेल। मना पटेल जो कि गुजरात अहमदाबाद गुजरात के हैं, यह 21 वर्षीय युवा हैं। तो इनके बारे में, तो अहमदाबाद गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में गुजरात, तथा गुजरात की गांधीनगर राजधानी है। यहाँ का गवर्नर आचार्य देवव्रत है, यहाँ का सीएम विजय रूपानी जी हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं, 182 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, तथा यहाँ ये सभी नेशनल पार्क यहाँ का ही नेशनल पार्क है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सुमित मलिक यानी इसका आंसर ऑप्शन ए है, सुमित मलिक। यह है इमेज में सुमित मलिक, इन्हें यह एक भारतीय पहलवान है जो जिन्होंने डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय पहलवान सुमित मलिक को खेल की विश्व शासकीय निकाय यानी UWW द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि उनका बी नमूना भी प्रतिबंधित उत्तेजक के लिए सकारात्मक था। 28 वर्षीय मलिक के पास यह तय करने के लिए एक समय का सप्ताह है कि वह मंजूरी को स्वीकार करेंगे या इसे चुनौती देंगे। सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण उन्हें पिछले महीने अस्थायी निलंबन कर दिया गया था, जहां उन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई किया था।
अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा मंत्री सचिव किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। आप पूरे मंथ का डेट भी इस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि आपको पूरे मंथ का डेट आपको एक लिस्ट सीरियल वाइज याद रहे। हर मंथ का डेट लिखने से आपको हर मंथ का डेट आपके ध्यान में रहेंगे, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यह है हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल। यदि आप इस यूट्यूब पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे तरफ से आने वाले अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन सुबह में करंट अफेयर्स को भी पूर्ण रूप से एनालिसिस के साथ डिस्कस किया जाता है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर आईडी है nextindia5 के नाम से। पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में तथा यहां पर दोनों जगह दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, तथा अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार से बनाइए कि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।